गोवा में ईसाइयों की तादाद अच्छी खासी है, यही वजह है कि चाहे टीएमसी हो, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी और कांग्रेस हो, हर किसी की जुबान पर ईसाई हैं, ईसाई वोटर हैं। दरअसल गोवा के तटीय इलाकों में ईसाई समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं। संख्या की बात करें तो गोवा की आबादी में 25% ईसाई हैं, मतलब हर 4 वोटर में एक ईसाई वोटर है। राज्य के कुल 40 विधानसभा सीटों में 10 सीटों पर कैथोलिक समुदाय का बोलबाला है। गोवा की 4 तहसील हैं जो ईसाई बहुल हैं, मतलब यहाँ ईसाइयों की संख्या ज्यादा है। ये भी बताया जाता है कि गोवा के निम्न मध्यम वर्ग में बीजेपी की बैठ रही है। हालांकि एक सच ये भी है कि गोवा में हिंदुओं की संख्या ईसाइयों से कहीं ज्यादा है। राज्य में करीब 66% हिंदू आबादी है, लेकिन हिंदुओं का वोट बटा हुआ है जबकि ईसाइयों का वोट एकमुश्त जाता है। इसी 25% एकमुश्त वोट की सियासी लड़ाई देखने को मिल रही है। अगर गोवा में सरकार की बात की जाए तो फिलहाल बीजेपी की सरकार है, प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं। वैसे यहाँ की लड़ाई आमतौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच होती है, लेकिन टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतरकर लड़ाई को और भी मुश्किल बना दिया है। पिछले कुछ दिनों में गोवा में कई सियासी हलचल देखने को मिली, खासतौर पर विधायकों के इस्तीफे का दौर जारी है जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी के विधायक शामिल हैं। इस्तीफा देने वालों में बीजेपी के कार्लोस अल्मेडा, बीजेपी के ही एक और नेता अलीना सल्दाना, कांग्रेस के विधायक लुइजिनो फ्लेरियो, कांग्रेस के ही रवि नाइक ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस के एक और विधायक अलेक्सो रिजनाल्डो लॉरेंको, जो राज्य में बड़े नेता माने जाते थे, चुनावी माहौल में कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं। इसके अलावा गोवा फॉरवर्ड पार्टी के जयेश सालगांवकर और निर्दलीय रोहन खूंटे ने इस्तीफा दिया। कुछ नेताओं के टीएमसी में जाने की खबरें भी हैं, लेकिन सवाल है इन इस्तीफों से पार्टियों को कितना नुकसान होगा। इससे भी बड़ा सवाल, फायदा किसे होगा? ईमानदार सरकार का वादा करने वाली आम आदमी पार्टी को या फिर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को? इसके लिए इंतजार करना होगा। ईसाई वोटर किससे नाराज हैं, किसको वोट देंगे, ये तो वक्त बताएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।